फाइन फॉर जीके पर जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। वेलकम फाइंडर्स, आप देख रहे हैं फाइन फॉर जीके। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तेलंगाना के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। अगर आप भी इस वीडियो में इंटरेस्टेड है तो इसे कंप्लीट जरूर देखना। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबा लें ताकि ऐसी वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहें। और आप हमारे जीके के ऐप को भी डाउनलोड जरूर कर लें, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना अलग राज्य बनने से पहले आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना से गुजरने वाली गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा नदी कहा जाता है। तेलुगु तथा उर्दू तेलंगाना की आधिकारिक भाषा है। चीतल को तेलंगाना के राजकीय पशु का दर्जा प्राप्त है। तेलंगाना का कुल क्षेत्रफल 1,12,077 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल के आधार पर तेलंगाना भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना में तेलंगाना की कुल आबादी 3,51,93,978 थी। जनगणना के आधार पर तेलंगाना भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। तेलंगाना का घनत्व 307 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तेलंगाना का राजकीय खेल कबड्डी है। आम को तेलंगाना के राजकीय फल का दर्जा प्राप्त है। तेलंगाना की अर्थव्यवस्था भारत की 8वीं सबसे बड़ी स्टेट इकोनॉमी है। तेलंगाना के पहले और अब तक के एकमात्र मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के पहले राज्यपाल 2 जून 2014 से 23 जुलाई 2019 तक ईएसएल नरसिम्हन थे। तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा सीट हैं। तेलंगाना में 7 राज्यसभा सीट तथा 17 लोकसभा सीट हैं। तेलंगाना की साक्षरता दर 66.46% है। तेलंगाना की वर्तमान राज्यपाल तमिलिशाई सुंदर रंजन है। तेलंगाना में कुल 33 जिले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना तेलंगाना के बारे में सामान्य जानकारी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये तेलंगाना के संबंध में सामान्य जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।